हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर फाइन एंड एवरीवन इज टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। वेलकम टू योर नंबर्स क्लास। कौन सी क्लास हो रही है आज? नंबर्स। नंबर्स मतलब मैथ्स, है ना? सो दिस इज योर नंबर्स क्लास। और आज की डेट 29 अक्टूबर 2020। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2020। बिफोर वी स्टार्ट, आर यू रेडी फॉर सम प्रैक्टिस, सम वार्म अप? तो पहला वार्म अप हमारा है, वी आर गोइंग टू स्नैप आवर फिंगर्स एंड वी आर गोइंग टू स्नैप एंड काउंट ऑल्सो। वी विल स्नैप टिल 10। हाउ मच हैव वी डन काउंटिंग टिल? वी हैव डन काउंटिंग टिल नंबर 10। So everyone is going to snap and count till 10. Ready? One. मेरे साथ करो, फिर से करें, सब साथ में करेंगे, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. शाबाश। एक बार फिर से चल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. Bravo. You have done till number 10. Now all good children are going to clap for themselves. All good children are going to clap for themselves. And how are you going to clap? We'll clap also counting. Okay. So let us count till number 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 and 10. Shabash. This is till number 10. Now what comes after number 10? Number 11. What comes after number 10? Number 11. How do we write number 11? 1, 1, 11. How do we write number 11? 1, 1, 11. दो अलग अलग स्क्वायर में, एक ही स्क्वायर में नहीं लिखते हैं। 1, 1, 11. 1, 1, 11. See, my numbers are also touching the baseline. दिख रहा है ना सबको? ऐसे आपके भी numbers baseline को touch होंगे. Then what comes after 11? 1, 2, 12. What comes after 11? 1, 2, 12. It is very important ki aapke sare letters, Hindi, English ya Maths, sab bottom line ko touch ho. So the two new numbers that we are going to do today is number 11 and number 12. To abhi ek baar jaldi se sab mere saath snapping karenge aur aaj main dikhaungi nahi snapping kaise karte hain. अब अपने आप स्नैपिंग करो, मेरे साथ काउंट करेंगे 12 तक, ओके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. शाबाश यार, बहुत अच्छे से करा। चलो अभी क्लैपिंग करके दिखाओ। क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू ऑल वर टू गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very good. Bravo. So this is what you're going to do in your maths worksheet. One side of your worksheet has number 11 and number 12. आधे पेज में number 11 आपको लिखना है और आधे पेज में number 12. Make sure जो formation मैम ने लिखी है आपकी worksheet में, बिल्कुल वही formation लिखी जाए. Okay? Then when you turn your worksheet, you have to write counting. You have to write counting. और counting कैसे? From 1 to 10. अब वो कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं. देखो, अब मेरे blackboard में इतनी जगह नहीं है, तो मैं square छोड़ के नहीं लिखूंगी, लेकिन आपकी worksheet में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप एक square छोड़ के लिखो. It is very important कि you leave one square in between. Okay? I don't have space. One square mein you have to write and one square mein you have to put a dot. But I am not leaving a dot because mere blackboard chota hai na, to isme jagah nahi hai. Aapka paper bada hota hai.
ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कैसे लिखा जाएगा? 9 के नीचे 0 और 0 से पहले 1. This is how you're going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैंने डॉट नहीं लगाया है, लेकिन जब आप लिखोगे तो आप डॉट लगाओगे ऐसे, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. आपको ऐसे लिखना है डॉट लगा लगा के पूरा 10 तक, ऐसे बिना डॉट लगाए मत लिखना, ठीक है? डॉट लगा लगा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 होता है 9 के नीचे 0 और 1 अलग से. ओके, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस राइटिंग 1 to 10. आगे वाली साइड पे 1, 1, 11, 1, 2, 12 है और पीछे वाली साइड में 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग है. मैम ने लिखी हुई है, आपको बिल्कुल वैसे लिखना जैसे वर्कशीट में मैम ने लिखा है, डॉट लगा लगा के. ओके, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, एंड वील मीट इन द, व्हेन आर वी गोइंग टू मीट, नेक्स्ट क्लास. और इसको फोल्डर में रखना मत भूलना, वर्कशीट को. ओके, बाय.